वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम लोग ये समझेंगे कि जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनका वज़न क्यों कम हो जाता है। बहुत सारे मरीज ऐसे रहते हैं जिनका वज़न कम रहता है और उस बात को लेके वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि हम अपना वज़न कैसे बढ़ाएं। तो हम ये समझेंगे कि एक तो वज़न कम कैसे होता है और वज़न को कैसा बढ़ाया जाए। बढ़ाना ज़्यादा ठीक है कि जितना है उतना, मतलब कितना वज़न होना चाहिए बेसिकली, ये भी जानेंगे। तो बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो उनको पता नहीं है डायबिटीज़ है और उनका वज़न कम होने लगता है, जांच कराने जाते हैं तो डायबिटीज़ निकलता है। तो अगर डायग्नोसिस के पहले किसी का वज़न कम हो रहा है तो उसका कारण एक तो है कि जब शरीर के अंदर शुगर बढ़ता है तो किडनी उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है शुगर को आपके शरीर में, क्योंकि आपका जो शरीर है, सेल्स है, मांसपेशियाँ हैं, दिमाग है, लीवर है, वो यूटिलाइज नहीं कर रहा है। तो उसको जब बाहर निकाला जाता है तो उसके साथ में पानी निकल जाता है। तो पानी निकलने से एक तो शरीर पतला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि डिहाइड्रेट हो गया शरीर, एक तो वो कारण है। दूसरा कारण है जब आपके शरीर में इंसुलिन कम हो गया है, डायबिटीज़ में इंसुलिन कम हो गया है या तो इंसुलिन असर नहीं कर रहा है, मतलब कि ग्लूकोज को सेल्स के अंदर नहीं ले जा पा रहा है। उस कंडीशन में ग्लूकोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज आपके शरीर नहीं करती, बल्कि पहले फैट को करने लगती है और थोड़ा बहुत प्रोटीन को करने लगती है। इसलिए जो फैट सेल्स होती हैं, जो चर्बी है और जो मांसपेशियाँ हैं, वो भी कम होने लगती है। तो दो मेन वजह होती है जिससे डायबिटीज़ के मरीजों का वज़न कम होता है, जब उनको डायग्नोसिस नहीं हुई है तब। डायग्नोसिस एक बार डायबिटीज़ पता होने के बाद फिर दूसरे भी कारण हो सकते हैं। तो ये दो मेन वजह होती है वज़न कम होने की। अब इसका इलाज कैसे किया जाए, तो जैसे डायबिटीज़ का इलाज चालू होगा, मतलब आप खाने में सुधार करोगे, एक्सरसाइज चालू करोगे, और कुछ केसेस में कुछ लोग दवाइयाँ भी लेंगे, कुछ लोग इंसुलिन भी लेंगे, वो तो डिपेंड करता है कि कितना बढ़ा हुआ है आपका शुगर लेवल। उसके बाद आपका वज़न धीरे धीरे जो नॉर्मल है वहाँ पे स्टेबलाइज हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे लोग जिनका वज़न ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनको वज़न घटने से बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने वज़न को आइडियल रखना है, ऑप्टिमल रखना है, एक नॉर्मल लेवल तक रखना है। उसको हम BMI से कैलकुलेट करते हैं, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, वो आपका वज़न आपकी हाइट के हिसाब से कितना है उसको बोलते हैं। अमूमन जो बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए वो 19 से लेके 25 के बीच में होना चाहिए। उसको आप इंटरनेट पे फार्मूला होता है, वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब अपनी एज डालना है, जेंडर डालना है, वेट डालना और हाइट केजी में, तो वो आ जाएगा। ये थोड़ा सा अगर कठिन लगता है तो मैं सीधा फार्मूला बताता हूँ कि आपकी जितनी हाइट है सेंटीमीटर में, जैसे सपोज करो मेरी है 170 सेंटीमीटर, उसमें 100 सब्सट्रैक्ट कर दो, 100 घटाने के बाद जो आएगा, जैसे मेरी 170 है तो 100 मैंने घटा दिया तो 70 kg हुआ। उस 70 kg में 0.9 का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो अराउंड लगभग 63 kg आ जाएगा। तो मतलब मेरा वज़न 63 kg होना चाहिए। आप भी ऐसा कर सकते हो, जितना पूरा सेंटीमीटर में आपकी हाइट है उसमें से 100 घटाओगे, जो आता है उसमें से 0.9 से और मल्टीप्लिकेशन कर देना है, राइट। आपको अपना वेट आइडियल रखना। एक्चुअली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं अमूमन उनमें मोटापा रहता है शुरुआती स्टेज में, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं अमूमन उनमें मोटापा रहता है। तो वज़न कम करना भी डायबिटीज़ की एक ट्रीटमेंट का हिस्सा है, क्योंकि वज़न कम करने से फैट कम होता है, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस है वो कम होता है, मतलब इंसुलिन अच्छे से काम करने लगता है, जो बाकी ख़राब होने के शरीर की संभावनाएँ होती हैं, जैसे हार्ट फेलियर के, हार्ट अटैक के या स्ट्रोक होने के, न्यूरोपैथी होने की, ये सारी चीज़ें ठीक होती हैं, किडनी ठीक होती है। तो वज़न ऑप्टिमल रखना ज़रूरी है। तो ये दो कारण हुए और इससे आप ये कर सकते हैं कि आपका वेट ठीक रहे, राइट। अब आ जाते हैं कि डायबिटीज़ जब किसी को पता चल गया उसके बाद भी बहुत सारे लोगों का वज़न नहीं बढ़ता, कम होता जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल इलाज चल रहा है और वज़न कम होने से एक दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वज़न कम होने से मतलब आदमी कई बार डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में रहता है कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मैं दुबला पतला हो गया, अच्छा भी नहीं दिखता, साइकोलॉजिकल कारण है। कई केसेस में शरीर कमज़ोर होने से बाकी की समस्याएँ हो सकती हैं, मतलब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है तो बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि जो टाइप 2 की डायबिटीज़ हैं वो ज़्यादातर केस में करते क्या हैं कि खाने में ओवर परहेज करने लगते हैं, मतलब जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा परहेज करना अच्छी बात है, मतलब कि जो फैट है, जो रिफाइंड शुगर है या वैसे भी कार्बोहाइड्रेट को कम करना है, पर कुछ लोग एक्स्ट्रा करने लगते हैं, मतलब कि रोटियाँ खाना या चावल खाना, आलू या फ्रूट्स लेना बंद कर देते हैं। ये सब बंद नहीं करना है, सबको अपना एक आइडियल डाइट सेलेक्ट करना है, मतलब एक टिपिकल होना चाहिए कि हमें खाना इतना ही खाना चाहिए जितना हमारी ग्रोथ और बॉडी के मेंटेनेंस के लिए होता है। तो अराउंड 1500 से लेके 2000 कैलोरी या उससे कम भी बोल सकते हो, अलग अलग।
हाइट के हिसाब से होता है और एज के हिसाब से कि इतने आपको कैलोरी चाहिए। तो परहेज एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है वज़न कम होने से, इसलिए अगर किसी का हो रहा है तो डॉक्टर की सलाह लें, जांच करा के कितना हमारा शुगर रहता है, हमारा वेट कितना है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह कितना है, उस हिसाब से हम अपने खाने में बदलाव करेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम से ठीक हो सकता है। दूसरा, लोग एक्सरसाइज ज़्यादा चालू कर देते हैं, जितना जैसे कोई 30 मिनट या अमूमन 45 मिनट रिकमेंडेड है, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट, कुछ केसेस में 1 घंटे भी हो सकता है। मतलब वॉकिंग जो करना है, घूमना फिरना है, वो 45 मिनट करना है हफ्ते में 5-6 दिन। और इसके अलावा कुछ वेट वाली एक्सरसाइज, जो स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज होती है, वो भी 2-3 दिन कर सकते हैं 10-15 मिनट के लिए। बाकी मेडिटेशन, योगा, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज जो स्ट्रेचिंग की होती है, वो भी किया जा सकता है। कुछ लोग इसको ज़्यादा चालू कर देते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपका वज़न कम हो रहा है। बाकी एक्सरसाइज करना वैसे अच्छा है, ऐसे कम ही लोग होंगे जो ज़्यादा एक्सरसाइज करते होंगे, 1 घंटे सफिशियंट होता रहे। तो ये दूसरा कारण हो गया। और डायबिटीज अगर है और वज़न कम हो रहा है तो तीसरा कारण है कि आप दवाई सही टाइम पर नहीं ले रहे हो, सही दवाई नहीं ले रहे हो। अगर इंसुलिन चल रहे हैं तो उसका डोज सही नहीं है, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट है वो जो डोज है दवा की वो सही नहीं है, और उसके प्रोपोर्शन में खाना भी सही नहीं है, तो उसको फिर आपको एडजस्ट कराने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो वज़न कम कराती हैं, अमूमन जिससे डायबिटीज़ का इलाज चालू होता है, जैसे मेटफार्मिन है, अमूमन वो वज़न कम कराती है। उसका इस तरह से काम है कि वो चूँकि सेंसिटिविटी बढ़ाती है इंसुलिन की, इसलिए वज़न कम होता है, तो उस दवा को एडजस्ट कराना ये तीसरा बड़ा कारण होता है कि आपकी दवा एडजस्ट नहीं है सही, तो शुगर आपका बढ़ रहा है। शुगर बढ़ेगा तो अगेन पानी निकलेगा शरीर में से, और जो कैटाबोलिक स्टेट होती है इंसुलिन कम होने से, शरीर के अंदर फैट और मांसपेशियाँ बेसिकली गलने लगती हैं, तो ये तीसरा कारण है। कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन एक बड़ा कारण हो सकता है, जैसे टीबी का इन्फेक्शन कामन है, फंगस का इन्फेक्शन स्किन में होना या मुंह के अंदर हो जाना, तो फंगस का इन्फेक्शन है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होना काफ़ी कामन है, क्योंकि शरीर का इम्यून सिस्टम डायबिटीज़ में डिप्रेस रहता है। तो आपको अपने डॉक्टर से मिल के अपने जो इम्यून सिस्टम है, जो एंटीबायोटिक्स है, जो इन्फेक्शन है, जैसे टीबी है, इन सब का बीच बीच में चेकअप कराना रहना है। कई केसेस में एक एंगजाइटी, डिप्रेशन भी बड़ा कारण है, लोग अपने से तनाव में रहते हैं तो खाना खाना भी कम कर देते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है। कुछ केसेस में चूँकि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस में अमूमन फैटी लीवर होता है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसऑर्डर, मतलब लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाना, फैट का डिपोजिशन होना, तो लीवर की प्रॉब्लम के कारण भी वज़न कम होने लगे, क्योंकि लीवर ही मेन पूरे वज़न के प्रोसेसिंग का यूनिट है, ग्लूकोज प्रोटीन और फैट के बीच में एक सामंजस्य बिठाता है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। कुछ लोगों में किडनी ख़राब हो जाती है लंबे समय में, तो उसके कारण भी वज़न कम हो सकता है। तो वेट कम होने के मल्टीपल रीजन होते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। ज़्यादातर केस में मैंने जैसा कि बताया कि ये मिसमैच ही हो रहा है आपके खाने में, परहेज का, एक्सरसाइज का, दवाइयों का, उसकी टाइमिंग का, और क्या खा रहे हो, तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए। मतलब वज़न अगर कम हो रहा है तो एक इंडिकेशन है कि आपके डायबिटीज़ सही नहीं है, उसका जो इलाज है वो सही नहीं चल रहा है। सो आई होप आप अपना अच्छे से केयर कर पाएंगे। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।